अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है शासकीय हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को। लापरवाही एक दिन जान ले लेगी। बुधवार 4 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद तेज पानी की वजह से 5:30 बजे तक बच्चे नहीं निकल पाए। पानी का बहाव कम होने के बाद ग्रामीणों की मदद से रस्सी के सहारे बच्चों को निकाला गया। ये मामला है मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील से 15 किलोमीटर दूर गांव असावती में 10 अक्टूबर 2015 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 12.5 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत हुई थी, जिसके अंतर्गत असावती से हाई स्कूल की ओर जाने वाला नाला बीच में पड़ता है। इस रोड को पूर्ण करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2017 दी गई, लेकिन आखिरी दिन के बाद भी 2.5 साल तक पूर्ण रूप से रोड और पुलिया का काम पूर्ण नहीं हो सका। पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों की लापरवाही सरासर सामने आ रही है, जिनका खामियाजा ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। कौन सा गांव है? गांव असावती, ये तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर है। और यहां पर बहुत शानदार, ये बहुत जोर से नाला निकल रहा है। यहां पर 2-3 नाला आता है, बहुत बड़ा बड़ा। और यहां पर जो हाई स्कूल है उसके बच्चे को निकलने में बहुत तकलीफ होती है। ना तो यहाँ कोई विधायक सुन रहा है, ना कोई यहाँ पर ये अपने ये मुख्यमंत्री सुन रहा है, ना कोई अर्धिष्ठ विधायक सुन रहा है, ना सांसद सुन रहा, कोई भी नहीं। यहाँ ये अपने जो मुख्यमंत्री कह रहा है कि देश बढ़ेगा, ये अपने बच्चे बड़े पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? या तो नाले तो बढ़ रहा है तो देश कैसे बढ़ेगा? यहाँ तो कोई बढ़ ही नहीं रहा। कौन सा स्कूल है इधर आगे? हाँ, ये शासकीय हाई स्कूल है, ये जो असावती का स्कूल है। यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा, विधायक सुन रहा है, ना कोई सांसद सुन रहा है, ना कोई मुख्यमंत्री सुन रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा है। यहाँ बच्चे को अभी रस्सी से निकाला गया और हमें इतना पानी लग रहा है, यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। अभी जो यहाँ पर सड़क बना हुआ है, 4 साल हो गए और सड़क का निर्माण में कहा गया कि ये भी ये थोड़ा और बच्चा तो ये बनाएंगे, अभी तक बना ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। 4 साल हो गए इसको बनाते हुए और ये तो कब का ही बना ही नहीं, बोल रखा है कि बनेगा, अब तक नहीं बना। और समस्या ये नाला आता है, नाला बहुत समस्या आती है इसमें निकलने पे। और ये अभी जब तक बारिश की सीजन रहेगी हमारे ऐसे रहेगा, हमारे लगातार छुट्टियां पड़ती रहती है। जिस दिन लगातार पानी गिरता है उस दिन तो स्कूल लगता ही नहीं है। और जब तक पानी गिरेगा तब तक हमारे वो अभी हम दिन में पानी नहीं गिरा और सुबह पानी नहीं गिरा और दिन में पानी गिरा तो हम उधर ही फंस गए थे। तो अभी हम 5 किलोमीटर उधर होके आए हैं और यहाँ पे बहुत मुश्किल आती है निकलने में। बिल्डिंग बनी थी हाई स्कूल की और उसके बाद 2013 से विद्यालय का संचालन नियमित रूप से हो रहा है। आज तक यहाँ पे ना तो पुलिया बनी है, कुछ नहीं हुआ है। हमने कई बार यहाँ के स्थानीय जनपद सदस्य को, जिला पंचायत सदस्य को, सरपंच साहब को, विधायक जी को, हमारे विद्यालय के लेटर पेड पे कई बार हमने लिखित में उनको सूचना दी है। हमें सिर्फ आश्वासन मिल जाते हैं कि बिल्कुल जल्दी काम हो जाएगा। आज तक ना तो पुलिया बनी है और जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसके बाद बच्चे इधर ही फंसे रहते हैं नाले की वजह से। और उनको 3-4 किलोमीटर घूम करके रामनगर होके इस रोड पर से उनको बाहर ले जाया जाता है। आज जो बच्चों को निकाल गए क्या समस्या है? जो खर्चे कर गए इस बार यहाँ का कोई ठेकेदार जिसके द्वारा ये रोड बनाया जा रहा है, उसने कहा कि हम पुलिया भी बना रहे हैं। तो पहले थोड़ा ठीक ठाक रास्ता था, लेकिन उसके बाद में और यहाँ पे रास्ते को बिगाड़ दिया गया है और गड्ढे कर दिए गए हैं जिससे और उसके बनने का अभी तक पता नहीं। वो छोटे छोटे स्कूल के गिर रहे हैं उसमें जी। कितने दिन हो गए लगे समस्या को? कितने साल हो गए लगे? अरे अभी खोद गए, अभी तो महीने दो महीने बोर्ड बनने आए और ये गड्ढे करके। जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे वोट मांगने लिए आते हो क्या कहते हैं? अच्छा, प्रतिनिधि जहाँ पे वोट मांगने लिए आते हो क्या कहते हैं? तुम्हारे पुलिया बन जाएगी, ऐसी बनी स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं उसमें। अभी तक नहीं बनी है ना? हाँ, मरने का मौका है।